एक साल के लिए 11,000 रुपए दीजिए, हफ्ते में 2 सर्वे कीजिए और एक सर्वे के 500 रुपए पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं समर मुखर्जी। स्पीक एशिया में एक पैनलिस्ट होने के नाते हमारा फर्ज है कि इस परिस्थिति में स्पीक एशिया के लिए हम भी कुछ कहें। स्पीक एशिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड 10UV Crescent 0768। सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे इस चैनल को जिसने मात्र एक दिन में स्पीक एशिया को इतने TRP दी कि जो व्यक्ति इसे नहीं जानते थे वो व्यक्ति भी आज स्पीक एशिया से वाकिफ है। हर व्यक्ति हर बुधवार को 2 सर्वे कर सकता है, एक सर्वे में मिलते हैं 500 रुपए। हम फिर से इस चैनल को बधाई देना चाहते हैं कि सिर्फ इसी चैनल ने अन्य कई तमाम नेटवर्क कंपनियों को, सर्वे कंपनियों को छोड़कर सिर्फ स्पीक एशिया को ही अपने चैनल में, अपने समाचार में इतनी प्रमुखता दी है। सिंगापुर से ऑपरेशन, लेकिन भारत में कोई दफ्तर नहीं। स्टार न्यूज ने RBI से संपर्क किया, पर हम स्पीक एशियंस को इस चैनल की कुछ बातें समझ में नहीं आई। हमें पूछना है कुछ प्रश्न इस चैनल से। समाचार में आपने बताया है, स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि कमाई का ये भ्रम जाल है जिसमें हो सकता है कि आप कभी भी फंस जाएं। हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि आपके पांव की जमीन खिसक जाए। हो सकता है आपके सिर पर गोभी का फूल उग जाए। हो सकता है रात में सूरज चमक जाए। अरे सर जी, ये हो सकता है क्या है? क्या हो सकता है पर किसी खबर को इतनी प्रमुखता से, इतनी बड़े ढंग से दिखाया जा सकता है? आपने कहा है कि कई कंपनियां ये कहती हैं कि उन्होंने स्पीक एशिया से कोई सर्वे नहीं कराई है और स्पीक एशिया झूठ मूठ के इन कंपनियों को अपना क्लाइंट बता रही है। ये साफ हो चुका है कि ICICI बैंक, बाटा, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियां स्पीक एशिया से सर्वे नहीं कराती और न ही इन कंपनियों के सर्वे का इस्तेमाल करती है। क्या इनमें से कोई भी कंपनी किसी भी सरकारी दफ्तर, पुलिस या कोर्ट में अपना शिकायत दर्ज कराया है? यदि नहीं तो इसमें स्पीक एशिया कहां गलत है? आपने उन स्रोतों के बारे में पूछा है कि कंपनी कहां से सर्वे का पैसा लोगों को देती है। लोगों को पैसे क्यों दे रही है? आपको आपके निवेश से ज्यादा पेमेंट क्यों कर रही है? मेरे ख्याल से ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है जो लोगों के आय और व्यय के स्रोतों का पता करता रहे। इतना पैसा कैसे आ रहा है? कहीं आपको कोई सर्वे कंपनी तो नहीं खोलनी है जिस वजह से आप इस कंपनी के बिजनेस ट्रिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं? स्टार न्यूज ने ING व्यास बैंक से भी पूछा कि क्या हकीकत है। बैंक ने स्टार न्यूज से कहा है कि स्पीक एशिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बैंक के किस अधिकारी या डायरेक्टर से ये बात आपने पूछी है? भारत में रजिस्ट्रेशन के बिना क्या कोई बाहरी कंपनी हमारे देश में काम नहीं कर सकती? कि स्पीक एशिया का भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारत में 15 लाख लोगों को जोड़ने वाली कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन का कोई दफ्तर नहीं है। भारतीय कानून के अंदर कोई भी ऐसा धारा नहीं है जिसमें कि हमें इंडिया में या भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी है। आज जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो क्या आज भी हमें 20वीं सदी की तरह जीना पड़ेगा? 100% हम लोग कानून के अंदर रह के ही काम करते हैं। एक भी ऐसा कदम नहीं है जो कि हमने कानून के बाहर सोचा भी है कि लिया जाए। यदि यह कंपनी कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है तो फिर इसे इशू क्यों बनाया जा रहा है? तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि सर्वे के नाम पर स्पीक एशिया कंपनी कर क्या रही है? लोगों को पैसे क्यों दे रही है? क्यों बदनाम किया जा रहा है? यदि कुछ गलत है तो इसकी रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं लिखाई गई? मलेशिया की एक कंपनी UniPay2U नाम की कंपनी की धोखाधड़ी बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ी थी। आप द्वारा कई अन्य कंपनियों के भाग जाने की खबर दी गई है, इससे ये साबित नहीं होता कि स्पीक एशिया भी ऐसी ही कोई कंपनी है। तो फिर बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ स्पीक एशिया पर ही ये इल्जाम क्यों? आपने कहा है कि इस कंपनी से जुड़ने के लिए कम से कम 11,000 रुपए की जरूरत होती है। स्पीक एशिया से जुड़ने के लिए आपके पास कम से कम 11,000 रुपए होने चाहिए। पर ये गलत है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए कम से कम 6,000 रुपए की जरूरत है। जब आपको इस कंपनी के टर्म्स और कंडीशन के बारे में पूरी तरह मालूमात नहीं है तो बाकी सारी बातें करना बेकार है। तो क्यों नहीं किसी न्यूज को दिखाने से पहले पूरी तरह से आप तफ्तीश करते हैं? यदि स्पीक एशिया एक प्रमुख समाचार है जिसे दिन में कई बार दिखाना पड़े तो इसे सिर्फ एक ही चैनल क्यों दिखा रही है और चैनल क्यों नहीं दिखा रही है? और एक बात और,
यदि अन्य चैनलों की तरह इस चैनल पर भी स्पीक एशिया का कमर्शियल एड आता तो क्या यह चैनल ऐसा समाचार नेगेटिव समाचार दिखाता? और अंत में हम यह कहेंगे कि आज जब सभी स्पीक एशियंस इस कंपनी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, उस समय सही राय और सही नसीहत देने की बजाय बेवजह डराना क्या एक सामाजिक अपराध नहीं है? हो सकता है आप मीडिया के लोग मुझसे इस बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन यह भी सभी कोई जानता है कि कोई भी न्यूज कोई भी समाचार क्रिएट भी किया जा सकता है। सभी स्पीक एशियन दोस्तों से अपनी राय और टिप्पणी का मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार।